इंदिरा एक जिज्ञासु परी थी। रहस्य उसके पीछे पीछे चलते थे, जैसे जंगल में तितलियां फूलों के पीछे। एक दिन जंगल के किनारे खेलते समय उसने देखा कि बारिश के बाद आसमान में रंगीन धनुष बनता है। उसने सोचा, कश यह इंद्रधनुष जमीन पर भी आ सकता है। इंदिरा ने अपनी दादी, जो सबसे बुद्धिमान परी मानी जाती थी, से पूछा। दादी ने मुस्कुराकर कहा, इंद्रधनुष खुशी का पुल होता है। जहां खुशी होती है वहीं इंद्रधनुष बनता है। इंदिरा को समझ नहीं आया। खुशी का पुल? उसने पूरे जंगल में खुशी ढूंढनी शुरू की। उसने फूलों से बात की, जानवरों के साथ खेली, यहां तक कि बरसते बादलों को भी गाना सिखाया। हर किसी को थोड़ी खुशी मिली, पर इंद्रधनुष कहीं नहीं बना। इंदिरा थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह खुद दुखी थी, क्योंकि इंद्रधनुष नहीं मिला। उसने सोचा, शायद खुशी दूसरों को देने से मिलती है। इंदिरा ने उठकर फिर से सबकी मदद करनी शुरू की। उसने बिच्छू के डंक से तितली को बचाया, भूखे खरगोश के लिए घास इकट्ठी की और उदास बंदर के लिए मजेदार कहानियां सुनाई। धीरे धीरे जंगल खुशी से भर उठा। अचानक इंदिरा के ऊपर आसमान रंगीन हो गया। एक खूबसूरत इंद्रधनुष जंगल के ऊपर चमक रहा था। इंदिरा खुशी से नाचने लगी। उसे समझ आ गया कि खुशी दूसरों को देने से ही मिलती है, और यही खुशी का असली इंद्रधनुष है।